आप देख लो, हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा। सब बैठ जा माताएं, सब बैठ जा। हरे कृष्णा। जीत प्रभु जी कहाँ गया? जीत जीत महाराज कितने बजे तक कथा हुई? जब तक प्रसाद नहीं बन जाए ना। हाँ हरे सब बैठ जाओ, कोई चिंता मत करो, सभी के लिए प्रसाद तैयारी है, सबके सब प्रसाद पा कर जाने, ठीक है। ओम ज्ञान तिमिराम दस्य, इसको तरह तेज बढ़ा दो, इसको कम कर दो। राजकुमार ऊपर आ जाओ, राजकुमार जी इधर आ जाओ, दोनों भैया आ जाओ। ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञान तला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराधलक्षै कीर्तासिकामादि तरंगमध्यै कृपामयित्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जहा है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्ण। सबके ऊपर हाथ उठाकर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो सबके सब जोर बोलो बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे। और एक बार जोर करके आप मैं नहीं बोलूँ आप बोलो बोला जोर से हरे कृष्ण हरे हरे उनको बोलो हरे राम
गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है क्योंकि ये शंकर जी के मंदिर में और इसी गांव में हम एक सप्ताह तक ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य मिला है। हमारे बड़े गुरुजी कहा करते थे जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर तुम्हारे पास में पैसा की बल हो जो काम को तुम कर सकते हो, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर तुमको मदद करने वाले कोई लोग बल हो जो काम को तुम कर सकते हो, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर तुम्हारे पास में मन का बल हो जो काम को तुम कर सकते हो, और जो जगत में जो सबसे बड़ा जो बल है कदी ये आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर तुम्हारे पास में आत्मा बल हो जो काम को तुम कर सकते हो, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा हमारे किसने भागवत कथा रखवाए, किसने रखवाए, कालू भैया और उनका जो परिवार के लोग, ये जो श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने रखवाए न तो कोई पैसा के बल पर कर सकते हैं, न तो कोई धन का बल पर कर सकते हैं, न तो कोई जन का बल पर कर सकते हैं, न तो कोई आत्मा बल पर कर सकते हैं। जब तक ठाकुर जी की, जब तक गुरु जी की कृपा बल नहीं हो ना, ये भागवत के कोई रखवा नहीं सकते हैं और ये भागवत कोई कर ही नहीं सकते, कथा कोई सुन नहीं सकते हैं। इसलिए इसी जगत में देखना, जब बेटी की शादी हो ना, हम करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करते थे। कितना पैसा खर्चा करते थे? करोड़ों करोड़ रुपया शादी में खर्चा कर देते हैं, लेकिन जब बोलो कोई भगवान की सेवा के लिए एक पैसा निकलना बड़ा कठिन होता है, एक पैसा भी नहीं निकलता है। इसलिए जब तक ठाकुर की कृपा नहीं हो ना, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, ये भागवत कथा कोई रख नहीं सकते हैं और ये भागवत कथा कोई सुन नहीं सकते हैं। समझो आज आपका ये जो गाँव का भाग्य उदय हो गया है जो कि इसी मंदिर में भगवान की कथा हो रही है। जिस जगह पर भगवान की कथा हो, कद स्वर्ग के देवता लोग भी स्वर्ग लोक से पुष्पों की बौछार करते हैं और ये भागवत की जयकार लगाते हैं। तुम लोग की एक बार जयकार लगाओ, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। कोई जय कोई है बोल रहे हो? आज क्या व्रत रखे हो? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोला बोलो श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए देखो ये शंकर जी की मंदिर है, ये भगवान श्री शंकर जी की मंदिर है और ये भागवत कथा कौन किसको सबसे पहले सुनाया था आपको पता है? कभी ये शंकर जी ने ही माता पार्वती को, उन्होंने अमरनाथ में ये अमर कथा ये शंकर ने ही सुनाया था और आज के ये भागवत कथा उसी शंकर जी की मंदिर में ही आज ये भागवत कथा हो रही है। समझो श्री शंकर जी बड़े खुश हुए होंगे, मैं जो कथा अमरनाथ में सुनाया था आज वही कथा आज ये शंकर जी की मंदिर में ये कथा हो रही है। देखो श्री शंकर जी ये कथा को विषय पर शंकर जी क्या कहते हैं, शंकर जी क्या कहते हैं पार्वती को कहते, बोले पार्वती बोले सत संगति दुर्लभ बा संसार, सत संगति नीम
जी कहते पार्वती, ये जो भागवत कथा हो रही है, कभी ये संसार में स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत तो सुलभ है, लेकिन हे पार्वती ये जो श्रीमद् भागवत कथा पार्वती संसार में बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ ये भागवत कथा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। देखो आज जो भाग्य हमें मिला है, कहते ये जो भाग्य है, बोले स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये देवताओं का नसीब में भी भागवत कथा नहीं मिलता है। इसलिए से सुखदेव गोस्वामी जिस समय ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, कहते स्वर्ग से कि जो 33 करोड़ देवता ये सबके सब सुबह स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए, बोले हे सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हो? बोला बोले इसलिए इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया, सप्तम दिवस में इनको तक्षक दंशन करेगा, सांप काटेगा, इसलिए तो कथा सुना रहे हो। बोले हाँ, बोले ये स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, लो ये अमृत कलश ले लो और ये परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, लेकिन इसके विनिमय में हमें ये भागवत कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसको नीचे ऊंचा क्यों कर रहे हो? ऊंचा करके रखो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी तथा देवान जहाससा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको हंसी खिली उड़ाते हुए ये देवताओं को वहां से भगा दिया, वहां से बोले कथा नहीं सुन सकते हो, कहां ठाकुर जी की कथा, कहां ये भागवत की कथा और कहां ये साधारण अमृत। वो उदाहरण देते हैं, ये कथा क्या है, कभी ये इसको थोड़ा खोल दो माइक को, ये जो कथा है कभी ये मणि जैसे ये भाग, ठीक है इसे रखो, ये जो भागवत कथा ये मणि, लेकिन ये जो स्वर्ग का अमृत किया है कभी ये कांच की एक टुकड़े के समान है, कांच की एक टुकड़े के समान है। कभी आज जो भागवत कथा हम सुन रहे हैं ये कथा नहीं, ये क्या है? कहते स्वयं बांके बिहारी ये भागवत ग्रंथ रूप में इसी जगत में जीव की कल्याण करने के लिए स्वयं बांके बिहारी ये भागवत रूप में प्रकट हुए। ये कौन कह रहे हैं? बोले जिस समय भगवान बांके बिहारी ये मर्त्य जगत छोड़ करके जा रहे थे, उसी समय में वहीं पर श्री उद्धव जी थे। उद्धव जी बोले प्रभु हम तो सारा जीवन एक साथ में रहे, खाए खेले कूदे, आप तो अभी मेरे को छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं अकेला कैसे रहूंगा? देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले कोई चिंता मत करो, मैं तो एक स्वरूप से जा रहा हूँ, कलयुग में दूसरे स्वरूप में भी मैं रहूंगा। बोले प्रभु कलयुग में आप किस रूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये भागवत ग्रंथ रूप में कलयुग में मैं विद्यमान होऊंगा। इसलिए ये कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, ये भागवत कथा सुनना और श्री ठाकुर जी से मिलना वो एक ही बात है। हम कथा नहीं सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी को साथ में हम मिल रहे हैं। इसलिए कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा सुनना नहीं मिलता। कहते स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते अगर कोई ब्रह्मलोक में भी जन्म ले जाए, ब्रह्मलोक में भी अगर कोई जन्म ग्रहण करे, कहते उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले कथा है तो भेदे भवना बिहारी, कथा है तो भेदे भवना बिहारी, कथा है तो भेदे भवना बिहारी, आवे तिहारी
देखो, जब कहीं भागवत कथा हो ना, ये ब्रह्मा भी, ये ब्रह्म लोक से भी दौड़ दौड़ करके आते हैं। अब लोग कितना दूर से आए हो, तुम लोग का गांव कहाँ पर? इसी गांव है ना, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर। अब हमारी मैया से ग्रेटर नोएडा से कितना किलोमीटर है यहाँ से? इसलिए 10-20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर से आए होंगे। इससे तो ज़्यादा दूर कोई नहीं होगा। लेकिन जानते हो, अगर जब भागवत कथा कहीं पर हो, ब्रह्मा कहाँ से आते हैं पता है? करोड़ों किलोमीटर दूर से ब्रह्मा जी दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आते, भागवत कथा हो रही है, चलो सबके सब। और अकेले नहीं आते हैं, कल जो ब्रह्मा आते हैं ना, अपना पत्नी ब्रह्माणी को लेकर के, सारद को लेकर के आते हैं। और जब शंकर जी आते हैं, वो अकेले कथा नहीं सुनने आते हैं, वो पार्वती को लेकर के आते हैं। हैं, जब देवता लोग आते हैं ना, वो अकेले नहीं, अपना पत्नी को लेकर जोड़ा जोड़ा आते हैं, अकेले नहीं आते। तुम लोग को जोड़ा जोड़ा आए कि नहीं? अकेले अकेले आए हो, सब अकेले अकेले आए हो। देखो यह ध्यान देकर सुनो, हमें जोड़ा जोड़ा क्यों आनी चाहिए, अकेले क्यों नहीं आनी चाहिए, इसका रहस्य सुन लो। हाँ देखो, अगर जैसे 7 दिन की कथा होगी ना, जो कथा सुनेगा, कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सो। जब तक जीवन में कोई सत्संग नहीं सुनते हैं, तब तक ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब सत्संग सुनकर तुम्हारी ज्ञान होना, क्या करोगे फिर? तो गला में तुलसी कंठी पहनोगे, फिर तिलक लगाओगे, फिर माला जप करोगे। अगर पति नहीं आएगा ना, बोले कौन सी बाबा जी के चक्कर में पड़ गए हो, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, इसलिए कौन सा बाबा जी के चक्कर में पड़ गए? हाँ, जब देखो चलो वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। हैं, इसलिए अगर पति अगर अकेला आएगा कथा सुनने के लिए, उसको ऊपर में भी जरूर रंग चढ़ेगा, तो उसको भी पता चलेगा ये जीवन दुर्लभ है, ये जीवन पा करके ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। ठाकुर जी बारम्बार ये जीवन नहीं देते हैं, कहते 1,84,000 भ्रम के ये नर तनु दही, कहते 84,00,000 ज्वनि भ्रमण करते करते ये मानव शरीर तभी मिलता है, नहीं तो ये जीवन नहीं मिलती है, समझ रहे हो? इसलिए अगर पति अकेला आएगा, उसको ऊपर में भी रंग चढ़ेगा, फिर वो भी प्रभु का भजन करेगा। लेकिन पत्नी अगर नहीं आएगी, बोले कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, हाँ माला लेकर बैठ जाते हो, कोई काम धाम नहीं है, जब देखो सत्संग सत्संग तब। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओगे ना, फिर क्या होगा? दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगा, और दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगा तो क्या करोगे? दोनों ही भगवान के बच्चे क्या करे? इसलिए अगर दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगा तो क्या करोगे? देखो यहाँ पर कुछ कुछ जोड़ा जोड़ा आए, देखो ये वहां पर एक प्रभु जी बैठे हुए, देखो वो प्रभु जी, और दोनों खड़े हो जाओ तो दर्शन दे दो, विनोद प्रभु जी खड़े हो जाओ तो, देखो यहाँ पर कुछ जोड़े जोड़े उनका पत्नी कहा गया, विनोद प्रभु की पत्नी, तू भी खड़े हो जा, देखो देखो ये तो तू भी खड़े, देखो इसका तरफ में देखो, इनको दोनों तरफ में देखो, गले में तुलसी कंठी है, तुलसी माला है, देखो हरिनाम कर रहे हैं, दोनों तिलक लगा दिख रहा है कि नहीं दोनों को? क्योंकि दोनों आ रहे हैं ना कथा सुनने के लिए, दोनों आ रहे, तो दोनों आएगा तो अगर दो चक्के में तो गाड़ी पहिया चलेगी ना। इसलिए कल जो लक्ष्मी आई ना, सब नारायण को लेकर गाना, सब अपना अपना पति को बोले तुम भी चलो कथा सुनने के लिए, कथा सुनोगे तो ज्ञान होएगा, और ज्ञान होगा तो दोनों ही गोविंद की भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ठीक है वो? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता की जय, जय श्री राम। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये भागवत कथा स्वर्ग लोक में भी नहीं, ये भागवत कथा ब्रह्म लोक में भी नहीं, कहते ये भागवत कथा कहते ये कैलाश में भी नहीं। बोले कैलाश की बात छोड़ दो, आज जो सौभाग्य तुम्हें मिला है, ये सौभाग्य कहते वैकुंठ में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले गाया ओ गरुड़, देखो जब कथा हो ना, ध्यान देकर माताएं सुनो, जब कथा होता है ना जरूर ताली बजाए करो, क्या करोगे? ताली। बोले ताली क्यों बजाते हैं? अरे जब जब कीर्तन होगा, जब कीर्तन होगा ताली बजाना, ठीक है? जब कीर्तन होगा ताली बजाना, ताली बजाने से क्या होता है? कहते पाप रूपी चिड़िया उड़ जाएगी जो ताली बजाएगा, लेकिन जाकर बैठेगा कहाँ पर? बोले जो ताली नहीं बजाएगा, समझ रहे हो? अगर ताली बजाओगे ना, तुम्हारी भाग्य रेखा भी बदल जाएगी। अगर संसार में कोई दुख कष्ट है,
जैसे हम जब ज्यादा दुख होता है ना, हम किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं ना, भैया देख लो थोड़ा हाथ, संसार का ये दुख क्यों दूर नहीं होता, ज्योतिष थोड़ी दूर कर पाएगा, ठाकुर कर पाएंगे। जब ताली बजाओगे, अगर तुम्हारी रेखा थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ होगा ना, जब ताली बजाओगे तुम्हारी भाग्य रेखा बदली जाएगी सबके साथ, ठीक है। जब कीर्तन हो ताली बजाना, बोले गाया ओ गरुड़ा जहाँ बस सौभाग्यवान। ये शंकर जी स्वयं कहते हैं, देखो देवताओं को अगर कथा सुनना हो वो देव लोग छोड़ करके इसी मरते जगत में आते हैं, अगर ब्रह्मा जी को कथा सुनना हो ब्रह्मा लोग छोड़ करके आते हैं, अगर शंकर जी कथा सुनना हो कैलाश छोड़ करके आते हैं, अगर गरुड़ जी की कथा सुनना हो तो वो वैकुंठ छोड़ करके आते हैं। लेकिन आप लोग देखो ये गाँव का नाम क्या, मैं भूल जाता हूँ, स्वरखा। देखो स्वरखा के भक्त लोगों को कथा सुनने के लिए तुमको कोई गांव छोड़ना पड़ा, बोलो तुमको गांव छोड़ना पड़ा नहीं, ये कथा रूपी गंगा वृंदावन से ही बहते बहते तुम्हारी गांव में आ गई,
और तुम अपना घर में बैठी बैठ करके क्या किया, ये कथा रूपी अमृत में तुमने स्नान कर दिया हैं। इसका मतलब है आप लोग बड़े भाग्यवान हो, बड़े भाग्यवान। आपको पता होगा अभी वृंदावन में कुंभ पड़ा हुआ, तुम बताए वृंदावन में अभी कुंभ है और अभी भी और भी कहीं कुंभ है, कहाँ पर और कहाँ? हरिद्वार में। ध्यान देकर सुना, हरिद्वार में भी कुंभ है, अभी वृंदावन में भी कुंभ। मन लगाकर सुनना, तुम कितने सौभाग्यवान हो। जानते हो ये कुंभ क्यों होता है? बोले जिस समय गरुड़ ने अपना माँ को मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ग से और अमृत कलश लेकर के लाए थे, उन्होंने चार जगह पर ये अमृत कलश को रखा। बोले कहाँ कहाँ पर? बोले वृंदावन में, हरिद्वार में, नासिक में और कहाँ पर? प्रयाग में। ये चार जगह पर उन्होंने ये अमृत कलश को रखा था, इसलिए 12 सालों के बाद में ये कुंभ मेला होता है और हजार हजार लोग हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। हो गया, कुंभ में स्नान करने के लिए हजार हजार लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। किस लिए स्नान करने के लिए जाते हैं? इधर देखो उधर क्या देख रहे हो? इसलिए हजार हजार लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो अमृत कलश को ला कर रख दिया, इसलिए तो जाते हैं ना। लेकिन जब भागवत कथा हो रही थी ना, केवल उन्होंने अमृत कलश को रख लिया था, लेकिन जब ये भागवत कथा हो रही थी, वो देवता लोग पूरा के पूरा अमृत कलश उठा करके ले आए। बोले लो ये अमृत कलश पूरा के पूरा ले लो, ले करके क्या करो, परीक्षित महाराज को पिला दो। ए क्यों खड़े हो, चुपचाप बैठो वहां। इसलिए बोले ये अमृत कलश पूरा के पूरा ले लो, लेकिन इसका विनिमय में हमें ये भागवत कथा, इसका विनिमय में हमें ये भागवत कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कथा नहीं सुनाए। इसका मतलब है ये जो भागवत कथा सुनना, जितने भक्ति, जितने तुम्हें पुण्य मिलेगा, वो कुंभ में स्नान करने से वो पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जो पुण्य मिलेगा ये भागवत कथा में स्नान करने का। इसलिए ये भागवत कथा की महत्व सबसे ज्यादा, ये भागवत कथा की महत्व। ये बच्चे किसके ही बच्चे हैं? ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चों को अलग अलग बैठा दो, नहीं तो उनको पीछे भेज दो। बच्चों तुम लोग पीछे बैठ जाओ, जाओ खड़े हो, पीछे चल जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। बच्चे बात करोगे तो पीछे भेज दूंगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो, ये जो श्रीमद् भागवत कथा हम सुनने के लिए बैठे हैं, आप लोग बोलोगे भैया ये समय अगर हम और कहीं देते तो हमें तो कुछ मिलता, अगर कोई काम धाम करते 2-3 घंटा हमें तो कोई, नहीं तो माल पानी मिलता, नहीं तो हमारा कोई लाभ होता। हम यहाँ पर 2-2 घंटा 3-3 घंटा हम क्यों बैठे? आप लोग बोलोगे ना किस लिए, हमें बैठने पर हमें क्या मिलेगा? तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत कथा से तुम्हें जितना लाभ मिलेगा ना, और कोई भी काम से इतना लाभ तुम्हें नहीं मिलने वाले जितने तुमको कथा से लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? कहते हमें 7 लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? आज मैं 7 लाभ बताऊंगा, फिर कल आप लोग मेरे को सुनाना, ठीक है? मन लगा कर सुनना। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। और ये भागवत में श्री राधा रानी स्वयं कहती हैं, कहते भागवत कथा सुनने तुमको 7 लाभ मिलेगा। मन लगा कर सुनना, ठीक है? और घर में जाकर सुनाना है तो कल मेरे को सुनाना। देखो 7 लाभ क्या है। बोले तब कथा मृता Oh,
जो कथा सुनने का पहला लाभ है, जो कथा सुनेगा जगत में अमर बन जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। बोले सबके सब मर गए तो मरा ही नहीं कैसे? नहीं, जैसे श्री परीक्षित महाराज चले तो गए, लेकिन अभी उनकी कथा हम सुन रहे कि नहीं? मीरा तो गई, लेकिन अभी उनकी कथा सुन रहे कि नहीं? तुलसीदास तक गए, लेकिन अभी उनकी कथा सुनते कि नहीं? हनुमान तक गए, लेकिन उनका नाम अमर हो गया कि नहीं? जगत में अमर हो गया कि नहीं? इसलिए जो भागवत कथा सुनेगा, पहला लाभ है ये अमर बनेगा। इसलिए ये कथा को शंकर जी ये पार्वती को अमरनाथ में ये कथा सुनाए थे, इसलिए ये भागवत का एक नाम अमर कथा। बोले क्यों सुनाए थे? देखो इसकी कथा सुन लो। बोले एक समय श्री नारद जी एक दिन आए कैलाश में। जब कैलाश में आए, हरे कृष्ण, कल है ना कोई जो सेटिंग करने वाले एप को ले आए, नहीं तो ये भैया सेटिंग कर दे, तुम तो सेटिंग कर लो। इसलिए हाँ, इसलिए एक समय नारद जी कहाँ गए? कैलाश में गए। जब गए उसी समय श्री भोले गए थे, श्री भोले बाबा गए हुए थे सत्संग में, घर में माता पार्वती अकेली थी। इतने में नारद जी आकर के माता पार्वती को बोले, पार्वती आपकी बार में सोच करके ना हमें बड़ा कष्ट होता है। पार्वती बोले क्यों, हमें तो ठीक ठाक है। बोले नहीं, आपको बार में सोच करके हमें बड़ा कष्ट होता है। हैं? बोले किस चीज़ की? बोले बोलो, बोल कर क्या होगा? बात छोड़ दो, बोल कर क्या होगा? अगर माताओं का आधी बात सुना दो ना, पेट में हजम नहीं होता है। अगर माता जी को आधी बात सुना दिया, भैया बोल कर क्या होगा, क्या लाभ है? हजम जब तक नहीं सुन लेते ना, तब तक पेट में हजम नहीं होती है। इतने में तो पार्वती तो पीछे पड़ गई, बोली बात क्या, बोलो तो क्यों हमारे बारे में क्या, हम तो ठीक ठाक। बोले छोड़ो ना, बोल कर क्या होगा। माता जी को और भी हाँ उत्साह हो गया, बोले क्या बात किया तो बोलो। बोले आपको पता है शंकर जी की और भी किसको साथ में संबंध है? शंकर जी की और भी कोई पत्नी है, तुम्हें पता है? देखो माताएं हर चीज को हजम कर सकती, हर चीज को सहन कर लेगी। अगर उनको पता चले तुम्हारी पति का और कोई अंदर अंदर में किसको प्रेम करते हैं, हजम कर सकते हो? ये चीज को पत्नी कभी भी हजम नहीं कर सकती। बोले आप क्या बोल रहे हो? बोले बात सही कह रहा हूँ। जब आज शंकर जी आएंगे ना घर में, उनको पूछ लेना एक बात। बोले कौन सा बात? बोले पूछना गले में ये जो मुंड की जो माला है ना, गले में जो मुंड की माला किसकी, पूछ लेना, तब तुमको सारी बात पता चल जाएगा। लेकिन वो सहज में नहीं बोलने वाले। तुम एक काम करो, तुम जा करके हैं मान भवन में जा करके लेट जाओ। जब शंकर जी आएंगे उनको 3 बार कसम खिला करके पूछना, फिर सारे बात तुमको पता चल जाएगा। बस नारद तो झगड़ा लगा दिए और नारद जी वहाँ से भग गए। जब जा रहे थे इतने में शंकर जी आ रहे थे, इतने में शंकर जी बोले नारद बाबा थोड़ा रुक जाओ। बोले आज मेरा अर्जेंट काम, आज मैं नहीं रुक नहीं सकता। शंकर जी समझ गए भैया दाल में कुछ काला है। लेकिन जब घर में आए ना, देखा तो मैया पार्वती मान भवन में लेटी हुई। इतने में शंकर जी जब जाकर तो ऊपर हाथ रखे ना, हाथ को फेंक दी पार्वती ने। बोले भैया बात क्या तो बताओ। बोले आप सही सही बता, आप झूठ नहीं बोलना। आप बता, आप भी अंदर अंदर में और कोई है तुम्हारी, और भी किसको प्रेम करते हो, और कोई प्रेमिका है क्या? बोले नहीं। बोले ये बताओ तुम्हारे गले में जो मुंड की माला किसको, बता दो। आप गले में ये मुंड माला क्यों पहन रखे हो? शंकर जी बोले पार्वती ये और किसी की नहीं, ये तुम्हारी। बोले मेरी कैसे, मेरे सर तो मेरे शरीर में, अब गले में कैसे आ गया, गले में कैसे आ गया? बोले पार्वती तुम्हें याद नहीं, पूर्व जन्म में तुम सती थी, पूर्व जन्म में, लेकिन तुम्हारी पिताजी मेरे को अपमान करने का वजह से तुमने कनखल में जा करके अपना शरीर को त्याग दिया। एक जन्म नहीं, तुम कितने जन्म से शरीर धारण करते हो और शरीर तुम छोड़ रहे हो, लेकिन तुम मेरी बड़ी प्यारी हो। जब मैं कथा सुनाता हूँ इतने प्रेम से तुम कथा सुनती हो, तेरी जैसे श्रोता जगत में कोई नहीं। इसलिए जब जब तुम शरीर छोड़ती हो, तब तक मैं तुम्हारी मुंड को अपना गले में माला रूप में धारण कर लेता हूँ।
इतने में पार्वती बोली, प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप कोई छोटी मोटी कपटी हो गई, अभी तो देखता हूँ आप बहुत बड़ी कपटी निकले। बोले क्यों? बोले आप ये बताओ, आप ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान कर लिया जो आप अमर बन गए और मैं मरती जा रही, तो आपने फिर कपटी नहीं हुए? कौन सा अमर बोटी को पान करते? देखो ये कथा की कितने महत्व है। तब शंकर जी स्वयं कहते, पार्वती जब से मैंने ये भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की, तब से मैंने अमर बन गया। तब पार्वती कहती है, प्रभु ये कथा मेरे को भी सुना दो, मैं भी अमर बन जाऊंगी, फिर तो हम दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे। मैं मरती जा रही हूँ, आप मर ही नहीं रहे। बोले देखो पार्वती, ये कथा को सब नहीं सुन सकते हैं। बोले मैं तो सुन सकती ना। बोले हाँ, तुम्हारी अंदर में भक्ति और भाव है, तुम ये कथा सुन सकते हो। बोले फिर सुनाओ। फिर शंकर जी पार्वती को लेकर के अमरनाथ में गए। कोई अमरनाथ गए हो? कोई कौन जाना चाहते हो? हाथ उठाओ, सबको ले जाएंगे। हाँ, इसलिए उन्होंने अमरनाथ में ले गए, और अमरनाथ में लेकर के वहां पर बटवृक्ष को नीचे वहीं पर बैठा करके ये अमर कथा सुनाई। बोले देखो पार्वती, जब मैं कथा सुनाऊंगा ना, तुम हुंकार भरते रहना, मेरे को कम से कम पता चले तुम कथा सुन रही हो। तब शंकर जी जोर से जयकार दिए, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। अरे जोर से बोलो, पीछे माता है तो सब चुपचाप बैठी है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। इसलिए फिर शंकर जी कथा सुनाना प्रारंभ किया, प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, ऐसे करते करते जब उन्होंने मुक्ति की बात बताई, संसार से जीव उद्धार कैसे होगा, जब उन्होंने मुक्ति की बात बताई ना, इतने में माता पार्वती तो सो गए। लेकिन भगवत इच्छा से उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता भी बैठ करके ये भागवत कथा सुन रहा था। उसने देखा माँ पार्वती तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, फिर शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, ये कथा मेरी भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए वो जो तोता था ना, वो भी हुंकार भरने लग गया। बोले बड़ी प्यारी कथा, आगे क्या हुआ, आगे की बात सुनाओ, आगे की बात सुनाओ। भोले बाबा, शंकर तो भोले बाबा, वो तो सुनाते 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 ही जा रहे हैं। इतने में जब कथा विश्राम हो गई, फिर शंकर जी जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। फिर मैया पार्वती जग गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ? बोले कथा तो विश्राम हो गया, समाप्त तो हो गया। बोले नहीं, मैं तो बीच में सो गई थी। बोले तो हुंकार दे रही भर रही थी। बोले मैंने हुंकार नहीं भरी। शंकर जी ने देखा ये कथा अमर कथा, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अमर कथा सुन लेगा ना, फिर वो अमर बन जाएगा। देखो जो कथा सुनने वाले कितने पुण्यात्मा। स्वयं कृष्ण अर्जुन को कहते, बोले अर्जुन मैंने तुमको ये जो ज्ञान की बात बताई ना, सबको नहीं सुनाना। भगवान कपिल देव भी अपना माँ को कह रहे, बोले माँ मैंने जो कथा सुनाई, ये कथा सबको नहीं सुनाना, मना कर दिया। जो श्रद्धा भक्ति विश्वास होगा उसको ही कथा सुनानी। इसलिए शंकर जी स्वयं पार्वती को कहते, क्या कहते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर कथा सुनते हो तुम लोग कितने पुण्यात्मा, ये चीज समझो। शंकर स्वयं कहते हैं, बोले कथा में कौन आ सकता है? बोले सभी नहीं आ सकते कथा में, सभी कथा में नहीं आ सकते हैं। बोले आ सकता कौन है?
बोले जिसको ऊपर में ठाकुर का विशेष कृपा हो। उदाहरण दिया, जैसे तुम लोग, तुम्हारी घर में शादी हो रही है, तुम्हारे घर में शादी हो रही है, बताओ वो शादी में कौन आएगा? जिसको तुम बुलाओगे, जिसको तुम निमंत्रण कार्ड दोगे, देखना शादी में वही व्यक्ति आएगा। जैसे तुम्हारे घर को पास में किसका घर है, अगर आप उसको निमंत्रण नहीं दोगे वो तुम्हारी शादी में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई विदेश में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, फ्रांस में हो, बड़े दूर में हो, अगर तुम उसको निमंत्रण कार्ड दोगे, देखना उतना दूर से वो आएगा। लेकिन तुम्हारे घर का दीवार को पास में, 9 इंच दीवार है, उसको पास में जो व्यक्ति होगा ना, अगर आप उसको निमंत्रण नहीं दोगे वो घर में आएगा तुम्हारी? बोला आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण तुम उसको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। इसलिए शंकर जी कहते ये कथा में कौन आए हैं? ये कथा में सब नहीं आए हैं, ठाकुर जी जिसको निमंत्रण दिया है ना। अभी तो निमंत्रण जरूरत नहीं, हालो मोबाइल फोन में हालो कर दो, हेलो कर दो, आ जाते हैं। मानो ठाकुर ने जैसे बंसी बटे को नीचे कृष्ण जब बंसुरी बजाए ना, वहाँ पर 100 करोड़ वहाँ पर कितने ब्रजवासी थे ब्रज में, लेकिन कृष्ण ने जब बंसुरी बजाई सब लोग आए क्या थोड़ी? कृष्ण जिनको बुलाना चाह रहे थे ना, जिन गोपियों को, केवल वहीं पर ही वही लोग आए हैं। इसलिए ये भागवत कथा बंसुरी तो बजी लेकिन सबको कान में नहीं पड़ी, सबको कान में नहीं पड़ी। तुम लोग जितने गोपियाँ बैठी हो ना, केवल तुम्हारी कान में पड़ी है, क्योंकि बांके बिहारी तुमको ही बुलाया, बांके बिहारी तुमको बुलाया, इसलिए तुम लोग कथा में आए। इसलिए शंकर जी कहते हैं भैया कथा में सभी नहीं आ सकते हैं। बोले अति हरि कृपा, जिसको ऊपर में ठाकुर का विशेष कृपा हो। कहते हैं जैसे यहाँ पर शाहरुख खान आ जाए, अमिताभ बच्चन आए, अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, ऐश्वर्या राय का नाम सुने हो, सुने हो सब के सब? हाँ। अगर यहाँ पर आएगा ना हेमा मालिनी का नाम सुने हो, अगर पता चले इसी मंदिर में हेमा मालिनी आएगी, कितना लोग आएंगे बताओ तो? यहाँ खड़े होने के लिए जगह मिलेगा? बोलाओ खड़े होने के लिए जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगा। हैं, इधर उधर काम होना सारा दुनिया आ जाएगा, लेकिन भागवत कथा में सभी नहीं आ सकते हैं। जिसको ऊपर में बांके बिहारी की कृपा हो, ठाकुर जिसको कृपा करके बुलाते हैं वही व्यक्ति ही कथा में आ सकते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को हैं, इस समय उन्होंने देखा कथा सुनी किसने, कथा देखा वो तोता बैठ कर कथा सुन रहा है। बोले ये कथा तो अमर कथा, अगर सुनेगा तो अमर बन जाएगा, अगर ये दुष्ट कोई व्यक्ति अगर कथा सुन ले, अगर अमर हो गया तो जगत के लिए हानिकारक है। इसलिए शंकर जी उसको मारने के लिए दो पीछा किया और वो तोता उड़ते जाए उड़ते जाए उड़ते जाए, शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे करते 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 ये तोता पहुंचा बद्री का आश्रम पर। जब बद्रीनाथ में पहुंचा, वहीं पर श्री व्यास देव अपना पत्नी बिटका को भी यही अमर कथा सुना रहे थे, भागवत कथा सुना रहे थे। और उनका जो पत्नी है ना, जैसे कभी कभी हम मुंह खोल कर कथा सुनते हैं ना, उनका पत्नी भी भाव से ऐसे कर कथा सुन रही थी। और वो तोता वहाँ पर पहुँचा और छोटा रूप धारण करके उनका पत्नी की पेट में चला गया। लेकिन जब वहाँ पर शंकर जी वहाँ पर पहुँचे, देखा वो तोता सुन यहीं पर तो आया लेकिन कहीं गायब हो गए। इतने में व्यास देव जी ने पूछा, शंकर जी तुम कहाँ से भागते भागते आ रहे हो, हाँप रहे हो, सारा शरीर से पसीना पसीना बह रहा है, क्या बात हो गया? बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन लिए। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या होता है? बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले आप पीछा फिर पीछा कैसे कर रहे हो? आप स्वयं कह रहे हो ये अमर कथा, जो सुनेगा वो मरेगा नहीं, फिर आप उसको मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो? शंकर जी तो भोले बाबा है ना, बोलते ना भोले बाबा, शंकर तो भोले बड़े सीधा साधा है। बोले बात तो सही कह रहे हो, अभी तक तुम्हारी याद नहीं था। फिर शंकर जी ध्यान लगाए, बोले अगर ये तोता साधारण कोई तोता होता है ना, वो कभी भी ये कथा सुन नहीं सकता है। इसलिए बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम। बोले ये भागवत कथा कब सुन सकता है? बोले एक जन्म नहीं, अगर कोई करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य उदय हो, पुण्य उदय हो ना, तभी यहाँ बैठ सकता है, नहीं तो 5 मिनट भी वो व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। घर में टीवी देखते होंगे, सीरियल आए ना, तुम तो नहीं खाता, आँख आँख फाड़ फाड़ कर देखेंगे।
लेकिन अगर बोलो 5 मिनट कथा में बैठो चिट्ठी काटना शुरू कर देगा। बोले कब उठे उठने का है, कब उठे, वो बैठ नहीं सकता है, क्योंकि जो पापी व्यक्ति ना कथा में नहीं बैठ सकते हैं। शंकर जी कहते हो पुण्यात्मा ही कथा में बैठ सकते हैं। इतने में श्री शंकर जी ध्यान लगाया, अगर ये तोता साधारण होता तो ये कभी कथा में नहीं बैठ सकता, ये है कौन। शंकर जी ध्यान लगाए, जब ध्यान लगाए ना तो उन्हें सब कुछ देखा। क्या देखा है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभान जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। इन्होंने देखा ये जो तोता है ये राधा रानी के निकुंज में रहने वाले तोता, जिसको राधा रानी अपना हाथों से अनार की दाना खिलाया करती थी। बोले तोता बोलो तो कृष्णा कृष्णा, वो तोता भी बोलता था कृष्णा कृष्णा। एक दिन क्या हुआ, बोले जाति चंचल दुसार है, इसलिए एक समय वो अपना चंचल, चिड़िया तो है ही है, इसलिए अपना चंचल जाति स्वभाव से एक दिन राधा रानी के हाथ से उड़ते उड़ते चला गया। कहाँ चला गया, वो चला गया बरसाना में। बरसाना में एक सुंदर पेड़ के ऊपर बैठ करके बड़े सुंदर राधा रानी की बड़ी सुंदर भजन गा रहा था। बोले राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे 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 का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे कृष्ण का नाम अनमोल, बोलो राधे 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 का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। हमारे बीच में एक प्रभु जी आए हैं, वो मथुरा से आए हैं, आगे बैठो। ये मथुरा से आए ये प्रभु जी, इनकी जो भजन है ना, अगर सबर में अगर रेडियो खोलोगे आकाशवाणी में इनका भजन आता है ना, इनका आकाशवाणी में इनकी भजन आती है, बड़े सुंदर भजन गाते हैं। और राधा रानी की एक सुंदर एक भजन सुनाएंगे, सबके सब इनका पीछे सब ताली बजाते हुए अब सबके सब पीछे पीछे गाओ। मंगल में गुरु की प्रिय वाणी, मंगल में गुरु की दिन चर्चा, मंगल में गुरु भक्ति ध्वनि, मंगल में गुरु के शुभ दर्शन, चार लाइन जो बोली बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार गुरु महाराज के जयकारा बोलिए, बोलिए गुरु जी महाराज की जय, साची हरवार श्री राधिका, साचो आवधी नरना
दरबारी मेरा धाम रानी के Thank you.
में काली भगवान देख रहे हैं हम यहाँ आकर के क्या कर रहे हैं। Thank you.
बड़ी सुंदर राधा रानी की भजन गा रही थी। इतने में वहां पर श्री कृष्ण चौंक उठे, बोले इतने सुंदर राधा रानी का नाम को कौन गान कर रहा है, देखा है कि तोता। इतने में कृष्ण बुलाए तो वो तोता उड़ते हुए कृष्ण को हाथ में बैठ गया। जब बैठ गया बोले और एक बार बोलो क्या बोल रहा था। फिर तोता ने ये बच्चों किसके बच्चे, ए बच्चों सामने नहीं आना, सब पीछे बैठो, सामने कोई घूमना नहीं, ये चप्पल को बाहर उतार कर आओ, ए बच्चे ये जूता चप्पल बाहर रख कर आना, अंदर में कोई नहीं लेना। इतने में श्री राधा रानी हाँ बोले कृष्ण बोले बोलो तो और एक बार क्या बोल रहा था। इतने में जो तोता एकदम राधा रानी की गला की आवाज जैसे उनने के चार लाइन का एक श्लोक को बोला, बोले वाह बड़ा सुंदर, एक तोता होकर के संस्कृत श्लोक बोलता है। कृष्ण ने एक सुंदर सोने की पिंजरा बनवाए, बनवा करके उसको अंदर में वो तोते को रख लिए। इतने में राधा रानी अपना एक सखी को बोले देखो तो मेरी तोता कहाँ उड़ते हुए चला गया। वो सखी आकर के देखा कृष्ण उसको हाथ में बैठा करके, बड़े यहाँ पर कोई नहीं है, बच्चे जो हल्ला मचा रहे हैं ये हल्ला कोई चुप कर सकते हैं भैया, कोई एक व्यक्ति को यहाँ नियुक्त कर दो, जो बच्चे बात करते हैं ये बात नहीं कर रहे, कोई एक व्यक्ति को नियुक्त कर दो। प्रभु जी ये आपका काम है, बच्चे कोई हल्ला नहीं करे, चुपचाप बैठे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग भी बच्चों को पास में ये बच्चों को अलग अलग करके बैठा, अलग अलग बैठा, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, एक साथ में कोई मत बैठे। हरे कृष्णा, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दो जो बच्चों को चुपचाप करके बैठा रखे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए इतने में वो तोता ने अभी वो सखी आकर के देखा कृष्ण उस तोते को हाथ में बैठा करके उसका अनार की दाना खिला रहे थे, बड़े प्यार से उसको लाड लड़ा रहे थे। वो माधुरी का सखी ने बोला श्याम सुंदर ये तोता हमारी किशोरी राधा रानी की, ये पालतू तोता है। बोले अगर ये तुम्हारी पालतू तोता तुम बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारी हाथ में चला जाए तो फिर हम समझेंगे ये तोता तुम्हारी तोता है, फिर तुम ले लेना। बोले जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जो एक बार तुम्हारी हाथ में बैठ जाए और तुम उसको लाल लड़ाओ फिर ये तुमको छोड़ सकता है। बोले फिर तो तुम जाओ। फिर वो मैया जसोदा के पास में गई, बोले जसोदे हमारी श्री किशोर जी की तोता उड़ते हुए आ गया और ये श्याम सुंदर ने पकड़ लिया, देना नहीं चाहते। राधा रानी बड़ी दुखी, बोले कोई चिंता मत करो तुम चले जाओ, कृष्ण जब गोचरण करने जाएगा पीछे से ये तोता मैं भेज दूंगा। इतने में कृष्ण जब गोचरण करने के लिए गए फिर मैया ने तोता राधा रानी को भेज दिया। देखो ध्यान देकर सुना,
ये भागवत कथा की कितने महत्व है। शंकर जी स्वयं कहते हैं ये भागवत कथा सुनकर के मैं ही अमर बना। जो शंकर जी को कहते ना सत्यम शिवम, सत्यम शिवम, जोर से बोलो सुंदरम। ये शंकर जी भी, माता पार्वती पहले सती थी लेकिन उनको शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन ये माता पार्वती भी जब से उन्होंने ये कथा को सुनी ना, कहते माँ पार्वती भी अमरत्व को प्राप्त की। देखो ये कथा के कितने महत्व, अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना हम भी जगत में अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए राधा रानी कहती हैं जो कथा सुनेगा उसका पहला लाभ क्या है, वो अमर बन जाएंगे, वो अमर बन जाएगी। अभी तक जिन जिन्हों ने कथा सुना ना वो अमर बने ही सबके सब। शंकर जी अमर बने, माता पार्वती अमर बने, गणेश जी अमर बने, हनुमान जी अमर बने, सुखदेव गोस्वामी अमर बने, परीक्षित अमर बने, मीरा अमर बनी, तुलसीदास जी अमर अमर हो गए कि नहीं, जगत में सबके सब उनका नाम को ले रहे कि नहीं। इसलिए हम भी अगर प्रभु का भजन करेंगे ना, कथा सुनेंगे, आप भी अमर हो जाओगे। बोले कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या है, बोले तप्त जीवनम। संसार में हम सब दुखी है, सुखी है ना, दुखी हो, ऊपर से पूछो कैसे हो, सर हिलाएंगे ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की बात पूछेंगे तो कोई ठीक है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई दौरान से दुखी, कोई हाँ कोई पड़ोसी से दुखी। आप देखो ना संसार से दुखी दुखी, कोई नहीं बोलेगा हम संसार में सुखी। लेकिन यहाँ पर श्री राधा रानी कहती है अगर तुम कथा सुनोगे ना सुखी बन जाओगे। कथा सुनोगे तो क्या बन जाओगे, देखो ध्यान देकर सुनो। जैसे यहाँ पर दो तीन घंटा जैसे कथा सुनोगे, जब से यहाँ नगर फरी हो रहे, गांव में कीर्तन हो रहे थे, तब से अभी तक कथा सुन रहे हो, सुन रहे कि नहीं, कीर्तन कर रहे थे अभी कथा सुन रहे हो। संसार में दुखी हो, अभी बताओ संसार का कोई दुख तुम्हें याद है, अभी बोलो कोई दुख याद है, नहीं, क्यों, कथा में बैठे हो, भगवान की कथा में बैठे हो। केवल कथा से गेट से बाहर निकल जाओ ना, घर में जाने पर सास को साथ में बनती नहीं, बहू बात नहीं सुनती, बेटा आवारा हो गया, बेटी ये करती, गेट को बाहर जाते ही ना जितने दुख सब सर के ऊपर पहाड़ जैसे आकर बैठ जाएगा। लेकिन जब तक तुम कथा में बैठोगे ना, कथा में बैठना मतलब क्या, बांके बिहारी की गोद में बैठो, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, जब तक कथा में बैठोगे ना सारे दुख को दूर हो जाएगा। लेकिन अगर घर में भी जाकर अगर प्रभु का कीर्तन करोगे, कथा करोगे, घर में भी शांति रहोगे, घर में भी सुख में रहोगे। राधा रानी खुद कहती हैं संसार का जितने दुख तुम्हारे सबके सब दूर हो जाएगा। और क्या होगा, बोले कलमसा अपहम, कथा सुनने से तुम्हारे सारे पाप भी दूर हो जाएगा। और कथा सुनने से क्या होगा, जीवन में तुम्हारी मंगल मंगलमय होगा। कथा सुनने से क्या होगा, संसार का बंधन तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। कथा सुनने से क्या होगा, तुम्हारी घर की श्री बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी घर में, हैं, तुम्हारी सौंदर्य जस बढ़ेगा। कथा की इतने लाभ है जो तुमको सोच नहीं सकती, कथा की इतने लाभ। अगर अनजान में भी तुमको पता ही नहीं कथा पता होती है क्या, अगर अनजान में भी यहाँ पर आकर बैठ गई ना, कथा में अगर तुम बैठ गई तो जगत से अमर बन जाओगे। कथा में अगर अनजान में बैठ गई, कौन कह रही है, श्री राधा रानी स्वयं कहती है। इसलिए कथा जैसे जगत में पुण्य जगत में कुछ भी नहीं। एक बार जय कर दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री महाराज। बोले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाए, जब कथा का विश्राम हो गई, देखो कथा के कितने महत्व, इतने में गोलोक वैकुंठ से रथ आया। परीक्षित महाराज रथ में एक सुंदर कृष्ण की गोपी बन करके रथ में बैठे, और बैठ करके सीधा उन्होंने भूर भुव मोह जना तप सत्य लोक को पार करते हुए उन्होंने भगवान को धाम में गए। अभी ब्रह्मा जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा, बोले इन्होंने तो कुछ नहीं किया, केवल कथा ही सुने, और उस कथा सुनने से क्या होगा, सीधा उन्होंने भगवान को पास में सीधा चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में एक तराजू लाए,
एक तराजू का एक तरफ में उन्होंने भागवत कथा की महिमा को धर दिया और दूसरे तरफ में उन्होंने जगत का जितने पुण्य हैं, कोई स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, अन्न छत्र खोल दे, कोई जगत में हैं एक बच्चों को मना कर दो, इसलिए कोई अन्न छत्र खोल दे, जगत का जितने सारे पुण्य हैं उनने सारे पुण्य को उन्होंने एक तरफ में धर दिया। दूसरे तरफ में क्या धर दिया, ध्यान देख रहे सुनो, केवल कथा की महिमा को देखो, कथा की महिमा कितना, कहते कथा की महिमा इतना था, जिधर कथा को धरा ना वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, दूसरे तरफ में जितने सत्कर्म था सब के सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। फिर ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा को सामने जगत का कोई भी पुण्य को अब तुलना नहीं कर सकते हो, इसलिए ब्रह्मा जी आदेश दिए, बोले आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर भगवान की कथा होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो बेटा स्वयं ब्रह्मा जी कौन है, वो भी महाजन है, उनका बेटा नारद वो भी संत है, चतुसन भी संत है, तब से क्या हो रहा है ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर भगवान की कथा चलती रहती है, हैं? कहते यहाँ पर जो भागवत कथा हुई, कहते यद्यपि ये भागवत कथा को गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ताली बजा कर बोलो, बोला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, बोला श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की सुनाई पड़ रहा है ना, हाँ इसमें ही सुन लो, हाँ जिस समय कहती ये भागवत कथा, कहते यद्यपि श्री नारद जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से उन्होंने श्रवण किया था, लेकिन उन्होंने विधि विधान को साथ में उन्होंने ये चतुर्सन से ये भागवत कथा सुनी, तब श्री सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न करते हैं, कहते नारद तो रमते जोगी बहते पानी, फिर उन्होंने विधि विधान से उन्होंने चतुर्सन से क्यों कथा सुना, तब श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले एक दिन श्री नारद जी ये मरते जगत में श्री नारद जी आए, बोले किस लिए आए मरते जगत में, बोले ये जो मरते जगत, ये जो भारत भूमि है ये पुण्य भूमि है, इसलिए देखो जितने पवित्र नदी गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सब भारत में ही है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया मथुरा में, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ पर, बोलो बोलो कहाँ पर है, हाँ भारत में, इसलिए जो भारत है इसका नाम भारत, भारत मतलब क्या होता है, भा मतलब होता है भक्ति व प्रकाश, रत मतलब होता है जो भारत के लोग ही भगवान की भक्ति में भगवान के प्रेम में हर समय रत रहते हैं, इसलिए भारत में जितने भक्ति करने वाले लोग मिलेंगे ना ये विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, देखो गांव के पूरा भक्त लोग यहाँ पर, माताएं बच्चे लोग भी आए हैं, हमारे भाई लोग भी कथा सुनने के लिए आए, लेकिन भारत का बाहर कहीं हो ना उनको पता नहीं भागवत क्या होता है, रामायण क्या होता है, गीता क्या होता है, उनको पता ही नहीं, इसलिए श्री नारद जी ये भारत को पुण्य भूमि मान करके इन्होंने इसी भारत वर्ष में आए, लेकिन जब उन्हें तीर्थ तीर्थ में गए उन्होंने क्या देखा, सारे मुसलमान लोग अधिकार कर लिए सारे मंदिर को, जैसे राम का जन्म स्थान अभी तो मोदी गए से हमारे भाग्य से आ गए अभी बनने वाले मंदिर, जैसे कृष्ण का जन्म स्थान वहां पर भी मुसलमान का अधीन,
काशी विश्वनाथ वहां पर उनने देखा सारे तीर्थ स्थान को। बच्चों कोई बात नहीं करना बच्चे, ये बच्चों को कोई मना करने वाले नहीं है प्रभु। यहां पर एक व्यक्ति खड़े हो जाओ, हरे कृष्ण। इसलिए उन्होंने क्या देखा है, इसलिए देखा सारे तीर्थ स्थान को ऊपर में सारे मुसलमान का अधिकार है। फिर उन्होंने जब घर गृहस्थी में घर घर में गए वहां पर भी देखा अशांति है, लेकिन फिर जब उन्होंने मठ मंदिर में गए वहां पर भी देखा कली, वहां पर भी कली का राज्य, तो उन्होंने देखा ये कली किसी को नहीं छोड़ा, ये कली सब जगह में अपना अधिकार को लगा करके बैठा हुआ। इसलिए नारद जी ने देखा अभी थोड़ा वृंदावन जा करके देखता हूँ ये वृंदावन का क्या स्थिति है। लेकिन जब नारद जी वृंदावन में आए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। जब उन्होंने वृंदावन में आए और वृंदावन में जब यमुना किनारे में आए नारद जी एक आश्चर्य घटना देखा, बोले क्या आश्चर्य देखा, उन्होंने देखा यमुना किनारे में एक सुंदर लड़की है, वो लड़की सुंदर एक लड़की बैठी हुई और उन्होंने देखा उसको पास में दो वृद्धा एकदम लेटे हुए जैसे थोड़ी थोड़ी श्वास ले रहे हैं। अब देखा वो जो बीच में एक सुंदरी लड़की बैठी हुई उसको कुछ सखियां उनकी सेवा कर रही थी। नारद जी ने देखा ये वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में सत्संग होता होगा, लेकिन जब वहां पर पहुंचे ना देखा वो सत्संग नहीं हो रहा है। बोले वहां क्या हो रहा है, बोले वहां पर तो रोना धोना लगा हुआ। उन्होंने देखा भैया संतों का रोना धोना में क्या मतलब है। फिर नारद जी वहां से भागे, जब भागे इतने में वो जो सुंदरी एक लड़की बैठी हुई थी वो बोलती बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंता अपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम पर। बोले बाबा जी थोड़ा रुक जाओ, बाबा थोड़ी रुक जाओ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मतलब मत चिंता भी नाशय, मेरे कृपा करके मेरे चिंता को नाश कर। बोले क्यों, बल दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहम पर। जब जीवन में किसी संतों का दर्शन हो जाए क्या समझो, जब संत दर्शन हो जाए समझो जीवन का सब दुख तुम्हारी दूर होगी, तुम्हारी सब दुख तुम्हारा दूर हो गया। कहते साधारण भाग्य से संत दर्शन नहीं मिलता है। इसलिए श्री जब श्री हनुमान जी को साथ हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण ठीक करो हरि बोल हरि बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री माइक हरे कृष्ण। तब उन्होंने देखा जब जीवन में संतों का दर्शन हो जाए क्या सब जीवन का हमारे सारे दुख हमारी समाप्त होने वाले हैं, हैं? इसलिए बोले
बोले बिनो सत संग विवेक न होई, बोला बिनो सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सोला बन सोई, राम कृपा बिनो सोला बन सोई। जब तक भगवान का नहीं हो तब तक हमें संतों का दर्शन नहीं मिलता है, हैं? इसलिए श्री भक्ति देवी बोली, इतने में नारद बोली, आप कौन हो, आप कौन हो? बोले क्या आप मेरे को पहचानते नहीं हो? बोले लगता तो कहीं देखा लेकिन हमारी याद नहीं आ रहा है आपका हमने कहां पर देखा है। देखो ये अपना क्या परिचय देती है, यहाँ पर कोई लाइट देखने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, किसी लाइट वाला कोई व्यवस्था नहीं किया जी, गए हुए ये लाइट तो आ गई लगता है। हरि बोल, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमा में तनयो मतो, बोले बाबा मेरे नाम है भक्ति, ये जो दो व्यक्ति को बगल में देख रहे हो ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान और एक नाम वैराग्य, लेकिन ये कालो जोगे न जर्जिता, लेकिन ये काल दोष से मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं। बोले बूढ़े कैसे हो गए? बोले उत्पन्ने द्रविड़े साहब, बोले द्रविड़ देश में तो मेरा जन्म हुई, वृद्धि कर्नाटक गता, कर्नाटक में जाकर मैं बड़ी हुई। बोले कोचीत कोचीत महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरे को आदर मिली, लेकिन जब मैं गुजरात में गई ना तभी मैं पूरा के पूरा मैंने बूढ़ी हो गई, गुजरात में बूढ़ी हो गई, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई हूँ मैं तो हो गई जवानी, लेकिन मेरे दोनों बच्चे हो गए बूढ़े। आप कृपा करो मेरे बच्चों को ज्ञान मिल जाए, बच्चे जवानी हो जाए। बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को मैं जवानी दिला दूंगा। बोले मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं भी तुम्हारी हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब उन्होंने उनको कान में वेद पुराण उपनिषद एक एक करके सुनाए, लेकिन उनको ज्ञान नहीं भई। लेकिन जब उन्होंने भगवत गीता सुनाए ना, थोड़ी सी तो आँख खुले, लेकिन गीता खत्म होते ही धड़ांग करके गिरी, तो बड़े चिंता में पड़ गए। फिर उन्हें सबको उन्होंने पूछा लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन जब उन्होंने श्री चतुसन को पूछे, बोले ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ इससे सही ज्ञान होगा। फिर उन्होंने हरिद्वार में ये भागवत कथा सुनाए, सारे ऋषि मुनि समस्त नदी सबके सब वहाँ पर उपस्थित हुए। जब कथा शुरुआत हुई ना, स्वर्ग से देवता लोग भी पुष्पों की बौछार की और ये भागवत की जयकार दी। आप लोग भी एक बार जयकार दो, बस श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। भागवत कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य तो जवानी हो गई, और सब के सब वहाँ पर गोलक वृंदावन से श्री जुगल सरकार ठाकुर जी प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए, वहाँ पर श्री उद्धव जी श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय पर जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी थे वो सबके सब उधार होकर के सबके सब ठाकुर के पास में चले गए।
तब श्री चतुसन को नारद प्रश्न करते हैं, अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो, अगर ये भागवत कथा सुनकर क्या मुक्ति मिलेगी? बोले ठीक है, तेरे को एक कथा सुनाता हूँ। फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधुकार की कथा सुनाई। आप लोग सुने होंगे कि जो आत्मदेव थे, बड़े धनी थे, घर में किसी पैसा की कमी नहीं, स्त्री भी बड़ी सुंदरी, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थे, बड़े दुखी थे, इसलिए बड़े अपशगुन देखते थे। पूर्वजों को अगर कोई चीज देना, जैसे लगता था जैसे कोई गरीबी चीज दे रहे हैं। अगर कोई पेड़ लगाए तो पेड़ में फल नहीं हो, गैया आए तो गैया भी घर में बच्चे जन्म नहीं देते हैं, हर तरह से अपशगुन अपशगुन देखते थे। सवेरे अगर कोई मुंह देख लिया ना, बोले हमने किया गंदा काम किया, सवेरे सवेरे इसका मुंह देख लिया, जिसकी संतान नहीं, बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए, लेकिन भगवत इच्छा से श्री एक संतों से दर्शन हुई। बोले बाबा हमें एक संतान दे दो। बोले संतान से सुखी नहीं, सुखी तभी बनोगे जब भगवान की भजन करो, तब भी सुखी बनोगे। बोले नहीं, हमें तो संतान चाहिए। तो उन्होंने एक पेड़ से फल लेकर के उनको दे दिया। बोले पत्नी को खिला देना, बड़ा सुंदर संतान होगा। लेकिन पत्नी का नाम थी धुंधुली। धुंधुली मतलब क्या? अज्ञानी, अंधकारी है वो। धुंधुली वो कहा संतों की वस्तु को ग्रहण करेगी। बड़े दुखी हुई, उसकी एक सहेली थी। बोले दुखी क्यों होती हो? बोले ऐसे ऐसे बात, पति ने एक फल लाए, बोले ये फल का खाओ तो गर्भधारण करोगे और तुमको बच्चा होगा। ये पुरुष हो क्या पता है, बच्चा होने से कितना कष्ट है। 9 महीना तक अच्छे चीज खा नहीं पाऊंगी, अगर गांव में डाकू आ जाएगा तो भाग नहीं पाऊंगी, फिर प्रसव देना बड़ा कठिन, फिर बच्चों को पालना करना भी बड़ा कठिन है, इसलिए पुरुषों को क्या पता है। बोले चिंता मत करो, मेरे पति को पास में पैसा नहीं, तुम थोड़ा मेरे पति को पैसा दे देना, अरे पेट में तू कपड़ा बांध कर सोते रहो, ये गैया को खिला दो ये फल को, ये प्रमाणित करने के लिए, ये सच ना झूठ है। उसने तो ऐसे कर दिया, और उसने उसकी गैया घर में बच्चा जन्म नहीं देता था, घर में गैया भी बच्चा जन्म दिया, और उसको भी उसने किया कि अपना सहेली की बच्चे को अपना घर में लेकर के लालन पालन कर दी। सारा दुनिया तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले भगवान जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। सारा दुनिया देखने के लिए आए, ये गैया भी एक बच्चा जन्म दिया। दोनों बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हुए, एक संतों का कृपा और एक संतों की धोखा है। संतों कृपा से कौन हुए गोकर्ण, लेकिन संतों को जो धोखा दी उससे जन्म लिया कौन? आत्म, जिसमें जन्म लिया धुंधुकारी। बोले गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महाकर, संतों की कृपा से जो बच्चा हुआ है वो बच्चा तो बड़े ज्ञानी बना, लेकिन संतों को धोखे जो दिया संतों को, उसका नाम पड़ गया धुंधुकारी। धुंधुकारी मतलब क्या? बोले धुम धुम करोती थी धुंधुकारी, इतना दुखी दुखी कर दिया संसार को है। किसी बच्चे के कुएं को पास में देखो तो धक्का मार के गिरा दे, किसी घर में आग लगा दे, कुत्ते को साथ में दिन भर खेले कूदे, उसको साथ में खाना खाए, अभी शाम होते ही 10 शिकायत, तुम्हारे बेटा ऐसे किया, तुम्हारे बेटा ऐसे किया। बोले संत सही बोल रहे थे, बच्चे से दुखी नहीं बनोगे, सुखी नहीं बनोगे, सुखी बनोगे तो भगवान की भजन से। संत सही बोल रहे थे, लेकिन पिताजी बड़े दुखी हो गए और गोकर्ण को पास में गए। गोकर्ण तो बड़ा ज्ञानी, गोकर्ण पिता को समझाए, बोले पिताजी अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो संसार का त्याग दे, स्वर्ग में इंद्र भी सुखी नहीं, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं, सुखी तो वही जो भगवान की भजन करते हैं। इसलिए पिताजी भागवत कथा सुना, संतों की संग करो और जीवन आराम से बिताओ। उन्होंने ज्ञान पा करके चले गए, लेकिन घर में अकेली मैया रह गई। हे मैया को खूब पीटे, बोलो पिताजी कहाँ पैसा रख कर गए? पैसा दो दारू पीऊंगा, पैसा दो मांस खाऊंगा और जुआ खेलूंगा। मैया ने देखा एक डाकू को मैंने पाल लिया। मैया ने दुखी होकर कुएं में आत्महत्या की। घर में उसने 6-6 बेसियां को बुला दी और उसने कोई बोले कपड़ा दे दो, कोई बोले गहना दो, कोई बोले क्रीम मिला दो। अभी उन्होंने राज दरबार में डाकू डाल करके बहुत पैसा को उसने लूटपाट करके लाया, बहुत पैसा को लाया। अभी बेसिया ने देखा सवेरे होते ही
सीआईडी लग जाएंगे, राता रात उसको मार करके गाड़ करके चली गई और वो बन गया प्रेत। जब घर में गोकर्ण आया, देखा प्रेत बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो के मुक्ति नहीं होगा। जब उन्होंने सूर्य देवता को पूछे, हाँ ध्यान देकर सुना, जब उन्होंने सूर्य देवता को पूछे, बोले इनको भागवत कथा सुनाओ, भागवत से ही मुक्ति मिलेगी। जब उन्होंने भागवत कथा सुने, जब 7 दिन समाप्त हो गया, 7 बांस की गांठ फट गई, बड़े सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुआ, विमान आया वैकुंठ से, जब बैठ करके जा रहा था, इतने में गोकर्ण ने पूछा, बोले भैया यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, लेकिन ये सभी के लिए रथ क्यों नहीं लाए, तुमने एक रथ क्यों लाए? हाँ माता ध्यान देकर सुना, वो किसका कारण किया है? बोले देखो यद्यपि देखने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये कोई मन से कथा नहीं सुने, मन से कोई कथा नहीं सुने। बोले क्यों? कथा में कमी किया, सुनने में कमी किया। बोले पहला कमी है, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो, पहले तो गुरु जी के वाक्य में तुम्हारी विश्वास होनी चाहिए, शास्त्र के प्रति तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कोई सोचे, इसका इको थोड़ा कम कर दोगे, अगर कोई सोचे पता नहीं कौन भूत प्रेत देखा है, हैं ये सब गीता भागवत तो पंडित लोगों ने ये सब अपना मनमानी ढंग से पेट पालने के लिए मनमानी ढंग से बना दिया, किसने सब भूत प्रेत देखा? अगर ये अगर अविश्वास हो गया तो कहते कथा में बैठने पर भी आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला नंबर तुम्हारी विश्वास ही नहीं कथा में। दूसरा नंबर क्या? बोले स्वस्मिन दीनत्व भावनम, दूसरी है दीनहीन होकर कथा सुननी चाहिए, अभिमानी होकर कथा नहीं सुननी चाहिए, दीनहीन होकर कथा सुनो। तीसरा बोले मानश्चेत जयस्ते साम, जब कथा सुनने के लिए बैठो उसी समय में मन को स्थिर रख करके बैठो। अगर शरीर यहाँ पर, अगर तुम्हारी मन अगर घर में है, फिर कथा सुनने पर भी तुम्हारी फल नहीं मिलेगा। क्यों? देखने के लिए तो यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन ये मन तो तुम्हारी और कहीं था, तुम्हारी मन और कहीं था, इसलिए फल नहीं मिलेगी। इसलिए नियम है कथा सुना, ध्यान से कथा सुनो, एक मन से प्रीति भावन हो करके हाथ जोड़ करके मन से अगर कथा सुनोगे तो क्या होगा, तुमको जरूर भगवत प्राप्ति। और जो मांगोगे भागवत कथा से, 7 दिन में भागवत कथा तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। जब उन्होंने ये सब बात बताए ना, गोकर्ण ने कहा तुमने सुन लिया, हमें क्यों ये कथा सुनकर फल नहीं मिला, फिर कल से मैं 2 बार कथा सुनाऊंगा, सबके सब आकर के पहले से बैठ जाना और नियम से सबके सब कथा सुना, फिर उसके बाद में हमें भी संसार से मुक्ति मिलेगी, उद्धार हो जाएंगे। फिर दूसरे दिन से उन्होंने कथा की, जितने लोग बैठे हुए थे एक मन से सबके सब कथा सुने। जब कथा समाप्त तो हो गई, जितने लोग बैठे हुए थे ना, सभी के लिए एक एक रथ आया, सभी के लिए एक एक रथ आया, और रथ में बैठते कर सबके सब भगवान की धाम में चले गए। देखो मन लगाकर सुना, हम भी कथा सुन रहे हैं, जब कथा की विश्राम हो जाएगी हम सभी के लिए भी एक एक रथ आएगा। आप बताओ कौन कौन जाएगा, सही सही बताओ, हाथ उठा रहे हो, अगर रथ आ जाएगा ना सब भाग जाएंगे यहाँ से। बोले बेटी की शादी नहीं हुई, अगर हम चले जाएंगे तो पति को भोजन को रोटी कौन खिलाएगा, बेटा पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए हाँ देखो कोई चिंता मत करो, जब तक ये संसार का आसक्ति खत्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक रथ नहीं आने वाले, कोई चिंता मत किया करो, हैं एक मन से कथा सुनो और भगवान की भजन करो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। हाँ प्रभु जी श्री राधे। सभी लोग एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। देखो
आज बहुत सुंदर कलश यात्रा हुई आपके गांव में और बहुत सुंदर कीर्तन हुआ और ये भागवत में रोज प्रसाद की व्यवस्था है और जो लोग भागवत में एक दाना भी प्रसाद में देते हैं उनकी बड़ी महिमा है। तो जो आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है हमारे मुखिया भैया और इनकी पत्नी रेखा, रेखा किसका नाम है, रेखा मुखिया की जो पत्नी है उनके भैया आइए ना, ये दोनों कथा के बाद आएंगे हमारे से आशीर्वाद लेंगे। ऐसे इस भागवत कथा में कोई भी प्रसाद की व्यवस्था करेगा उसको महाराज जी के सामने आके आरती करेंगे, महाराज जी आशीर्वाद भी देंगे और इसका बहुत बड़ी महिमा है। जितने भी भक्त लोग आए सबके प्रसाद की व्यवस्था इन्होंने की है, जो प्रभु जी पीछे बैठे हैं मुखिया, मुखिया नाम, हाँ मुखिया जी नाम है इनका और इनकी पत्नी का नाम रेखा। कौन है, इधर आजा मुखिया, आजो सामने आ दो, इधर आजा। और कल से देखो जो बच्चे है ना बहुत शरारत कर रहे हैं, इस गांव के बच्चे इतने शरारती है और कहीं भी मैंने नहीं देखा, तो आप लोग ना समझाना थोड़ा सा। और कल दो बच्चे, दो टीम लगा देंगे पीछे, बच्चे वहाँ पीछे बैठाएंगे वो खेलेंगे, ठीक है ना। और आप लोग कल से एक एक माता अपने साथ दो दो माताओं को लेके आएंगे, दो दो नहीं दस दस, हाँ दस दस, और प्रभु जी को भी लेके आएंगे, थोड़े बड़े बच्चे जो कथा सुने उनको लेके आएंगे, छोटे बच्चे कोशिश करना ना लेके आए, आगे तो पीछे बैठाएंगे, ठीक है ना। इधर सुना, और इनके लिए सब तक ताली बजाओ, ये मुखिया भैया ताली बजाओ। हाँ ठाकुर जी, हाँ देखो भागवत में ना, इधर मेरे तरफ में देखो, ये भागवत में बताए अगर एक अन्न का दाना, एक अन्न की दाना अगर कोई भागवत कथा में देता है, ठाकुर स्वयं कहते हैं किसी जीवन में, एक जीवन में नहीं कहते, किसी जीवन में उसकी घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी, ये स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। इसलिए भैया को ठाकुर जी आशीर्वाद, इधर आ जाओ, ठाकुर जी इनको कृपा करें आशीर्वाद दें। हाँ देखो आप लोग ये मत समझो फिर हमको भी देना पड़ेगा, नहीं, जिसकी इच्छा होगी, अगर जिसकी इच्छा होगी हम देना चाहते हैं आप दे सकते हो, इसमें कोई भी ये नहीं, आपको भी देना पड़ेगा, ऐसे भी कुछ बात नहीं, अगर उनको कोई देना अगर चाहे तो आप लोग दे सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुनने के लिए आया करो, ठीक है ना, कथा सुनने के लिए आओ। देखो जो प्रसाद पाते हैं ना, ठाकुर का प्रसाद जो पाते हैं वो साधारण भाग्य से मत समझो, प्रसाद भी बड़े भाग्य से भी भगवान के प्रसाद भी पाते हैं, भगवान प्रसाद पाना भी बड़े भाग्य की बात है, कथा सुनना भी बड़े भाग्य की बात। इसलिए कल हमारे बड़े गुरु जी कहते थे 10-10 भक्तों को साथ में लेकर के आना, कितने कितने भक्तों को, अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के आना, क्योंकि बड़े गुरु जी कहते थे जिसको लाओगे ना, जिनको लेकर के आओगे उसको जो पुण्य मिलेगी, जो लाने वालों को उसको आधा आधा पुण्य मिलेगी, उतने महिमा। और देखो माताएं ध्यान देकर सुनाओ, माताओं का सबसे बड़ा चिंता क्या है, अभी घर में जाकर के खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भूखे ना भजन होए गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला, कहते हैं ना भूखे से भजन नहीं होता है, लेकिन चिंता क्या, कथा सुना प्रसाद भी मिलेगा और क्या, मैं उसको साथ साथ में फिर कथा प्रसाद दोनों हाथ में लड्डू है, एक हाथ में लड्डू नहीं, दोनों हाथ में लड्डू, प्रसाद भी और कथा प्रसाद दोनों मिलेगा। इसलिए कल सब माताएं अड़ोस पड़े से सबको बुला करके लाना, क्योंकि अनजान में भी अगर कोई कथा सुन ले, अनजान में शास्त्र कहता है भगवान उसको अपना धाम में स्थान दे देते हैं, ठीक है ना। इसलिए अभी प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, नाचने वाले भजन गाना, सब एक बार खड़े हो जाओ, ठाकुर को नाचना सबके सब, भोगी शिवा की बिहारी लाल की जय, अब चला श्री राधा रानी की जय, मेरे टूटे हूँ दिल को उठाना नहीं पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा, ईमान लिया कि मैं तो नहीं हूँ तेरे काबू, मुझे अपने काबू इधर। कल जो कथा हुई थी एकदम 5 बजे से, ठीक है ना, कितने बजे से आओगे, लेट नहीं करना,
क्योंकि कथा अगर पहले बताए ना, अगर नियम से अगर कथा तुम सुन लिया, नियम से 7 दिन के अंदर में जो मांगोगे ठाकुर जी से, जो मांगोगे ठाकुर तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर देगी, ठीक है ना। पर प्रसाद तो है ही है, घर में खाने पीने का कोई चिंता नहीं, इसलिए एकदम टाइम से आ जाइए। फिर तो देखो हमारे दोनों कलाकार बड़े सुंदर भजन गाएंगे, खूब नचवाएंगे आप दोनों को, सबको कीर्तन भी कथा भी सब सब आनंद ही आनंद है, ठीक है। पूरा गांव का लान करके जिनका भी दिल ठाकुर के लिए पागल हुआ है वो बड़ी मस्ती में झूमेंगे और ठाकुर जी को नाच करके ले जाएंगे। Yeah.
Thank you.
I'm gonna go